दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 71 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। गाइज ये जो एपिसोड है ये काफी खतरी होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में आपको हॉटन हैमर की एक झलक देखने को मिलने वाला है, इसलिए एंड तक देखना। हमारा यह एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है जहां जैसे ही हुआ युहाओ की थर्ड आई ओपन होती है तो इस पर हुआ युहाओ मन में कहता है ये जो दो तरह की पावर है मैं वो फील कर सकता हूं। और ग्रे बाल कहता है लाइफ पावर को यूज करो, करो लाइट को कंज्यूम करने के लिए। और जैसे ही हुआ युहाओ ऐसा करता है तो इस वजह ये जो सील्ड होती है वो टूट जाती है और इस चीज को देखकर प्रिंसेस के काफी तागड़ी वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहते हैं कि क्या मेरी सील टूट गई है, आखिर इन्होंने ऐसा कैसे किया, और एक बार ही जो तुमने इसे कांपते हुए नोटिस कर लिया तो फिर तुम्हें क्या करने की जरूरत है, बस इसे तोड़ने की। और इस तरफ हुआ युहाओ कहता है वोंगडोंग चलो हम इन्हें अपनी नई स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी का स्वाद चखते हैं। जिस पर वोंगडोंग कहता है हाँ चलो अब इन्हें हम डराते हैं। और फिर ये दोनों खुश होते हुए एक दूसरे को हग करने लगते हैं जिस वजह से हम इन दोनों के ऊपर वोंगडोंग के लिटिल हैमर और हुआ युहाओ के आइस स्कॉर्पियो को मर्ज होते हुए देखते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि यह एम्परर काफी ज्यादा हैरान होता है और यह मन में कहता है आइस मिस्ट के अंदर जो गोल्डन लाइट थी वो ब्लू में बदल गई, क्या उनके पास कोई और भी एबिलिटी है। और सारी ऑडियंस भी काफी हैरान होती है और कहती है कि वो लाइट क्या है और वो आइस मिस्ट के पीछे है इसलिए मैं उसे क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ। और इस तरफ लिंग मन में कहती है क्या यह उनकी नई स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी है और इसमें तो कितनी ज्यादा पावर है। और वो जो फिगर है क्या हुआ युहाओ वैसा दिखेगा, जब हुआ युहाओ बड़ा हो जाएगा तब तो यह वाकई में काफी ज्यादा हैंडसम लगेगा। और स्पिरिट फ्यूजन वाले हुआ युहाओ के हाथ में हम एक डार्क लाइटिंग बॉल को देखते हैं, इसे जैसे ही ऊपर करता है तो ये काफी बड़े हैमर में बादल जाता है जिसके बाद यह इस जॉइंट हैमर को कंट्रोल करके इनकी शील्ड के ऊपर अटैक करवा देता है। और जैसे ये हैमर शील्ड के ऊपर अटैक करता है तो प्रिंसेस के काफी तगड़ी वाले होश उड़ जाते हैं और जैसे ये सील टूटती है तो ये काफी इंजर्ड होके नीचे गिरने लगती है। और इस चीज को देखे एम्परर के भी काफी तगड़ी वाले होश उड़ जाते हैं और यह मन में कहते हैं यह नामुमकिन है, हमारी क्लैन की यह तकनीक सबसे स्ट्रांग थी लेकिन तब भी यह टेक्निक कैसे टूट गई। और इस तरफ शाउटाओ अब भी ट्रैप्ड में फंसी होती है और यह इस नजारे को देखते हुए मन में कहती है वैसे तो काउंटर अटैक करने का समय हो गया है लेकिन तब भी मैं यहाँ पर ट्रैप हूँ और लगता है कि मुझे यहीं पर मैच के खत्म होने तक का इंतजार करना होगा। लेकिन तभी अचानक से कोई सोल डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है जिस वजह से शाउटाओ के ऊपर जो बैरियर बन रखा था वो टूट जाता है और शाउटाओ इस चीज को देखकर काफी हैरान होती है और यह सोचती है कि आखिर इसे किसने तोड़ दिया। और यह देखती है कि यह हुआ युहाओ ने किया है जिसकी हालात काफी खराब होती है और यह सोचती है कि आखिर इसने ऐसा कैसे किया। और तभी शाउटाओ गुस्से से कहती है मुझे इसकी परवाह नहीं लेकिन उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर ट्रैप्ड करने की, आज मैं तुम सभी की जान ले लूंगी। इतना कह के शाउटाओ डाई यहोम और बीबी ये तीनों ही एक साथ मिलकर अटैक कर देते हैं और श्रेक की टीम के अंदर जो गुस्सा भर रखा था उसे बाहर निकलते हुए विनाशकारी हमला करने लगे थे। और क्योंकि अब जब प्रिंसेस इनकी तरफ नहीं खड़ी थी तो स्टालुआ एकेडमी ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है इसलिए जज मैच को खत्म करके इन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ जाता है। और ऑडियंस काफी खुश होते हुए कहती है काउंटर अटैक तो सच में काफी सुंदर था और वैसे तो काफी अच्छा हुआ श्रेक जीत गई लेकिन प्रिंसेस भी काफी अमेजिंग थे। और एम्परर भी इस हार को देखे थोड़े से निरसा होते हैं और कहते हैं कि यह चीज पूरी तरीके से मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर थी और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था श्रेक से। और इस तरफ होमचेंग भी काफी हैरान होता है और यह कहता है कि धत तेरी की आखिर इनके पास ऐसे कितने सारे मूव्स हैं और ना जाने अभी भी इन्होंने कितने सीक्रेट्स को छिपा रखे हैं। और श्रेक के जीत को देख के टीचर वैंग और केटू खुशी के मारे जूट उठते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं बहुत बढ़िया, तुम सभी ने ही काफी अच्छा किया। और हुआ युहाओ जो अपनी सारी स्पिरिट पावर को यूज कर लिया था इस वजह से ये काफी ज्यादा थक चुका था और एक तरीके से हुआ युहाओ थकान के मारे बेहोशी हो गया था। और हुआ युहाओ नीचे गिरने वाला होता है तभी बीबी आकर इसे संभालते हुए कहता है तुमने काफी बढ़िया किया और इस मैच में तुमने हम सभी को ही बचा लिया। और तभी बीबी अचानक से काफी ज्यादा गर्मी को महसूस करता है और जैसे ये पलट के पीछे देखता है तो ये सिस्टर शाउटाओ को पता है जो कि थोड़ी सी अभी आउट ऑफ कंट्रोल होती है और इनमें से थोड़ी थोड़ी ब्लैक फायर भी निकल रही होती है और यह कहती है जल्दी से इसे मुझे दे दो। और इनकी इस बात को सुनकर बीबी थोड़ा सा हैरान होता है
और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मैं इसका अगला पार्ट को कल अपलोड करूंगा।